हेलो दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगा आप लोगों को मेरे लाइफस्टाइल का कुछ थोड़ा सा पार्ट। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ बंगाल सर। बंगाल में मछली खाना तो बहुत सादा ही रहता है, आप तो जानते ही होंगे। इसके लिए मैं आज आ चुका हूँ रेल लाइन के पास, और मेरे पीछे आप लोग देख ही सकते हो एक नाला टाइप का कुछ है। नाला नहीं, बेसिकली ये खाल टाइप का है। यहाँ पे बहुत सारा मछली है, और यहाँ पे मछली पकड़ने अलाउड भी है, इसलिए मैं आज नेट लेके आया हूँ, मछली पकड़ेंगे। और साथ ही में अभी आपको ट्रेन भी दिखाता हूँ। चलो, ट्रेन भी घुस चुका है। और ये रहा नेट, चलो नेट को सेट करते हैं। और बेसिकली ये ही है लोकेशन। लोकेशन तो एकदम तगड़ा है, मछली मिलने का चांस तो एकदम पूरा पूरा है। देखते हैं कितना मछली मिलता है कि नहीं मिलता। तो पहले मैं इस नेट को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा नेट बेसिकली। मैंने दोनों नेट को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एक और वहाँ पे दूर पे एक लगा दिया। और तब तक आप लोग ट्रेन का व्यू इंजॉय करो। बहुत सारा ट्रेन हमने कवर कर लिया है, अब बारी है हमारे नेट को वहाँ से निकालने का और देखने का कि कितना मछली हमको मिला है। मिला भी है कि नहीं मेरे को पता नहीं है। दोस्तों ये नेट लग रहा है मेरे को फंस चुका है भाई, मेरे को ये फिर से पानी में उतर के छुड़ाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि मैं पानी में अगर ना नहाऊं तो ही अच्छा होगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। मैंने अपना दोनों नेट को बाहर निकाल लिया है पानी के अंदर से, और दोनों नेट में मेरे को सिर्फ एक ही मछली मिला है और बाकी एक भी मछली नहीं मिला। मैंने पहले सोचा था बहुत मछली मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। ये रहा वो मछली। इस मछली का बंगाली में हम लोग कोई मछली बोलते हैं। और बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कर देना, और आप अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक बात, अंत में जाते जाते ये एक ट्रेन आ रहा है, आप में देख लो।